क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल 2023 में अपना डेब्यू किया। नीलामी में मुंबई इंडियंस पैसे खर्च कर उन्हें हमेशा अपनी टीम में शामिल करती थी, लेकिन उन्हें मैच में खेलने का मौका नहीं मिल पाता था। गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। इस सीजन रोहित शर्मा ने अर्जुन को खेलने का मौका दिया। अर्जुन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 2 ओवर डाले, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अर्जुन ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, साथ ही अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम के लिए 20 रन बचाए। ना सिर्फ रन बचाए बल्कि विकेट भी चटकाया। इसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ अर्जुन को एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन इस मैच में वो नाकाम रहे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। इस मैच के 16वें ओवर में अर्जुन तेंदुलकर के खिलाफ पंजाब के बल्लेबाज सैम करन और हरप्रीत भाटिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अर्जुन की इस ओवर में चौकों और छक्कों की बरसात कर पंजाब के बल्लेबाजों ने 31 रन फूट डाले। इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर का नाम काफी सुर्खियों में आ गया। ऐसे में पंजाब किंग्स की को ओनर प्रीति जिंटा एक बार फिर से अर्जुन तेंदुलकर के सपोर्ट में उतर आई हैं। स्टार स्पोर्ट्स से खास बातचीत के दौरान प्रीति जिंटा ने अर्जुन की चिंता को लेकर जिक्र किया है। प्रीति जिंटा ने कहा है कि मुझे डर है कि कोई उसे ट्रोल न कर दे। प्रीति जिंटा ने स्टार स्पोर्ट्स पर अर्जुन तेंदुलकर को लेकर कहा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनमें से एक युवा है जिसे मैंने बचपन से देखा है। मैं उनके फेमस उपनाम के कारण नहीं कह रही हूँ, एक छोटा सा गोलू सा क्यूट सा लड़का जो कि मैंने देखा है, जो अर्जुन था। आज मैं उनके लिए महसूस करती हूँ और मुझे आशा है कि वो मजबूत होकर वापस आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें इसके लिए कोई ट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह की चीजें सभी के साथ होती हैं। बता दें कि इससे पहले भी प्रीति जिंटा ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक ट्वीट किया था। प्रीति जिंटा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के बाद अर्जुन तेंदुलकर को पहले आईपीएल विकेट की बधाई देते हुए ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने अर्जुन को लेकर नेपोटिज्म की बात कहने वालों की क्लास लगाई थी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साउथ ब्लॉक डिजिटल से रंजन गुप्ता की रिपोर्ट।